तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल भुप्पू भैया ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हमको एक मैम मिल गई हैं जो कि वाइस यूट्यूब चैनल है उनका, तो वाइस हम उनसे पूछते हैं, उनके आपको परिचय करवाते हैं। बताइए आप। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं भागवत कथा आचार्य श्री जी प्रियंका शास्त्री। बड़ा सुंदर ये किला है। मैं आज आई तो देखा मैंने कितना सुंदर साम्राज्य हमारे पूर्वज बना करके गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे देखने को मिली, इतना बड़ा महल है तो दरवाजे भी लोग बड़े बनवा सकते थे, लेकिन दरवाजे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज हमें कुछ जो काम करते थे उसमें कुछ ना कुछ सीख होती थी, तो वो सिखा करके गए हैं कि जीवन में हमें झुकना चाहिए। अगर झुकना सीख गए तो सब कुछ आ गया समझो। लेकिन आज का इंसान झुकना नहीं चाहता है, वो ये चाहता मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, सब मेरे सामने झुकें। लेकिन हमारे पूर्वज यही सिखा करके गए हैं, छोटे छोटे दरवाजों में जब आप एंट्री करोगे, प्रवेश करोगे तो झुकोगे, और नहीं झुकोगे तो खट से जब सर पे लगेगी तो अगले बार झुक करके ही उसमें प्रवेश करोगे। मतलब कहने का ये है, अगर रिश्तों को जोड़ करके चलना है तो गलती ना होने के बाद भी झुक करके चलना सीख जाएगी। जय श्री राम। झुकता वही है जिसमें जान हुआ करती है, और अकड़ ना तो खास मुर्दों की पहचान हुआ करती है। तो भैया का बहुत सुंदर ब्लॉग है, बप्पू भैया ब्लॉग, आप लोग सब्सक्राइब करें। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है श्री जी प्रियंका शास्त्री, तो आप लोग अगर भजन और भागवत कथा राम कथा श्रवण करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, भैया को सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम। तो गाइस, हमारी दीदी जी को भी बहुत सपोर्ट कीजिए। तो हम दीदी जी पूछना चाहते हैं कि दीदी जी का कौन सा चैनल है? श्री जी प्रियंका शास्त्री मेरा यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो हमारी दीदी जी का चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस बहुत ही सुंदर सुंदर भागवत है एंड बहुत सारे गीत भी हमारे चैनल मैम के चैनल पे आते रहती हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल तो गाइस चलते हैं और देखते हैं क्या ही माहौल रहता है। चुके हैं यहाँ पर वाइस, कितना डरावना सीन लग रहा है गाइस। तो यहाँ पर आ चुके हैं वाइस, चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या ही माहौल रहता है। तो वाइस शौक की बात तो ये है कि गाइस हमको यहाँ पर कुछ भी हो सकता है गाइस। तो हम यहाँ पर आ गए हैं गाइस, किसी को पता नहीं है, जो गाइस बहुत ही नीचे बना हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर ऊपर से डायरेक्ट कुछ यार नीचे आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर ही हम चलते हैं, आपको देख सकते हैं, आप कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो गाइस यहीं पर चलते हैं, मोबाइल गेम टाइच भी उजाड़ लेते हैं गाइस। तो चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पर कैमरा इस साइड लाइए गाइस। तो आप देख सकते हैं जो कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए दोनों वाले यहाँ लगाते हैं। तो गाइस शौक की बात तो यार ये है कि गाइस यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है हमको। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो गाइस यहाँ पर भाई क्या ही बोले, आ जाओ। तो भाई साहब देख सकते हैं ये दरवाजा बना हुआ है, तो भाई साहब देख सकते हैं
ये सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, बंद कर दिया गया है। और गाइस हम यहां से भी चलते हैं, तो आपको बता दें कि क्या ही माहौल रहता है। आप क्या में देख सकते हैं जो कि गाइस बहुत ही खराब सीन लग रहा है यहां। और ये दरवाजे है जो आप देखा दिखा सकते हैं इसको, ये दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत डरने का सीन है भाई। तो चलते हैं और आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर डर लग रहा है क्योंकि। तो दोस्तों हम किले के बहुत ही अंदर आ चुके हैं और हमने सोचा था हम आपको कुछ रहस्यमय बताएंगे, तो उस रहस्य को हम ढूंढ चुके हैं। आपको सामने दिख रहा है एक दरवाजा, देखिए आपको बंद दिख रहा है। यहीं से हम लोग खजाने के रास्ते के लिए जाते हैं जो बंद हो चुका है, सरकार ने इसको बंद कर दिया है। इससे नीचे चार मंजिल नीचे जाना पड़ता है, वहीं खजाने का रहस्य। दोस्तों आज हम आपको उस रहस्य के ओर ले चले हैं, आप देखिए इसी के अंदर वो रहस्य, लेकिन इसको बंद कर दिया गया सरकार ने। तो गाइस हम यहाँ पर आ गए हैं फिर से। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने की तरफ भाई कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस हम यहाँ पर चलते हैं और आपको बताते हैं कैमरे में। तो गाइस एक और बात भाई, लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई कितनी मेहनत से भाई वीडियो बना रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कोई खूपना जेल में आ गए हो, जेल में पड़े खूपना जेल वगैरह भी लग रही है। आ सकते हैं आप देख सकते हैं जो बहुत ही डरावना बहुत ही डरावना में है। दोस्त दोस्तों हमारा ये दोस्त बहुत ही अंदर जा रहा है, कुछ पता नहीं कहाँ जाने वाला है। गाइस आप देख सकते हैं जी कितना ही छोटा दरवाजा है गाइस, इसके लिए हम क्या बोले, बट हम यहाँ से चलते हैं। भाई आप भी आ जाइए यहाँ से, और भाई देख सकते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई है गाइस, आप आइए यहाँ पर और देखिए। तो गाइस यहाँ से चलेंगे हम ऊपर, तो भाई आपको बताएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं जो कि गाइस यहाँ से जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे दरवाजा बंद है गाइस, तो यहाँ से आ सकते हैं आप। देखिए कि ये दरवाजा बंद है, यहाँ से हम बिल्कुल भी जा नहीं सकते गाइस। तो आप देख सकते हैं ये छोटे भाई, देखो गाइस। तो गाइस हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे भाई बहुत ही डरावना सीन लग रहा है। तो आप देख सकते हैं दूसरी मंजिल पे आ गए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई बहुत ही मस्त नजारा लग रहा है भाई, तो भाई बहुत ही ड्रामा सीन लग रहा है यार। तो भाई हम किसी चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर बैठने से राजा जैसा फील हो रहा है। तो हम बोलेंगे बेटा, मतलब अजय भाई बोलिए। इसने तो बोला है बहुत गलत, अब हमें लग रहा है ऐसा फील के खीत सिंह कंगार सामने बैठ चुके हैं जिसके बोना चोर के बाद जिसने राज किया था यहाँ पर। कितना ही डरावना सीन लग रहा है गाइस यहाँ पर, हमको तो भाई इतना डर लग रहा है यहाँ पर। भाई खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। तो गाइस आप देख सकते हैं जो कि हम यहाँ पे जा रहे हैं गाइस, तो भाई बहुत ही डरावना सीन है गाइस यहाँ का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से भाई सारा, अब हमको तो पता नहीं है कि यहाँ पर क्या लगती है भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गाइस बैठने के हिसाब से है, तो भाई हमको डर भी लग रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पर ऐसे हमारे हिसाब से कोई है नहीं। और हम चलते हैं भाई यहाँ से और देखते हैं। तो गाइस हम फिर से यहाँ से चलते हैं। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे बीजक, कहते थे कि इस बीजकों का कुछ रहस्य होता है,
किले के अंदर, हाँ इन बीजकों का कुछ न कुछ रहस्य होता है किले के अंदर। इससे कुछ रहस्य पता चलता है कि क्या है अंदर और क्या नहीं है इस बीजक का रहस्य, जो खजाने तक पहुंचा सकता है हमें। तो गाइस आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है गाइस। यहाँ पे बहुत ही डरावना सीन लगता है, क्योंकि गाइस हमको तो भाई बहुत ही डरावना लग रहा है, यहाँ से हम जा भी नहीं रहे हैं। और गाइस हम तो यहाँ से बैक आ जाते हैं, भाई चलते हैं अपनी दूसरी जगह। तो गाइस हमको तो पता नहीं है भाई ये कौन सा मंदिर है, बट हमने आपको तो दिखा दिया है गाइस। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि गाइस ये कौन सा मंदिर है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ तक आ जाइए, तो गाइस आप देख सकते हैं जो कि भाई दूर दूर तक यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको, तो भाई जंगल ही जंगल दिख रही होगी। और गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे की साइड, भाई यहाँ पे बताया जाता है कि एक मजार है, जो गाइस यहाँ पे बाबा जी रहते थे कोई, भाई बाबा जी यहाँ पर रहते थे कोई। तो भज्जा हम देखने थी, कहाँ देखने भज्जा? बावरी। तो भज्जा पा है बावरी, चल कि आपने देखा वीडियो में, तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और क्या करने मत जाओ, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा भाई सब्सक्राइब करने अपने चैनल को। तो गाइस हम चलने वाले हैं अपने घर, क्योंकि काफी लेट हो गए हैं। और वीडियो में मजा आया हो तो भाई कमेंट जरूर करें, वीडियो हमने पता किया वो आपको वीडियो में जरूर मिलेगा, जरूर बताएं। तो गाइस हम जाने वाले हैं अपने घर, वही यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारी बाइक रखी हुई है, जो कि गाइस हमको उठा के चलते हैं। और भाई चलते हैं अपने घर।